हेलो फ्रेंड्स, मैं शिखा आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूँ। आज हम आलू चाट बनाएंगे। आलू चाट बनाने के लिए हमने पहले ही आलूओं को उबाल लिया है। हमने इसे ज्यादा नहीं उबाला है, इसे हल्का कच्चा ही रखा है। हमने इसे छोटे छोटे पीसेस में कट भी कर लिया है। हमने पहले ही तेल को गर्म होने के लिए रख दिया था। अब हम इन आलूओं को फ्राई कर लेंगे। हम एक एक करके आलूओं को तेल में डालते जाएंगे। हमें इसे एकदम रेड ब्राउन होने तक फ्राई करना है। देखिए, आलू रेड ब्राउन हो गए हैं। अब इन्हें निकाल लेंगे। बाकी आलूओं को भी फ्राई कर लेंगे। देखिए, सारे आलू अच्छे से फ्राई हो गए हैं। अब इसे एक बाउल में निकाल लेंगे। अब इसमें एक चम्मच भुना हुआ जीरा पाउडर, स्वाद अनुसार नमक, एक चम्मच लाल मिर्च पाउडर, एक चम्मच चाट मसाला, और 2 से 3 चम्मच हरा धनिया की चटनी डालकर सभी को मिला लेंगे। अब इसमें 1 चम्मच नींबू का रस डालकर सभी को फिर से मिला लेंगे। बन गया है। अब इसे एक बाउल में निकाल लेंगे। आलू चाट तो बन गई है। अब हम इसकी गार्निशिंग करेंगे। गार्निशिंग के लिए एक पापड़ लेंगे और उसको गैस पर रोस्ट कर लेंगे। ठंडा होने देंगे। अब इसको आलू चाट के ऊपर क्रश कर डालेंगे। आलू चाट बनकर तैयार है। ये काफी टेस्टी होती है। ये सभी को पसंद आती है, चाहे बच्चा हो या बड़ा। आप इसे जरूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।